देखो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ नई अपकमिंग गाड़ियों के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होने के साथ साथ फीचर्स ओवरलोडेड होने वाला है। और हो सकता है इनमें से कुछ गाड़ियां आपको बेहद ही पसंद आने वाली है, क्योंकि नए डिजाइन के साथ नए लुक में एक हमें गाड़ी देखने के लिए मिलेगा जो कि ओवरऑल मार्केट के अंदर एक तहलका मचाने जा रही है। तो चलिए, कौन सी गाड़ी होने वाली है? सबसे पहली नंबर पे जो गाड़ी आती है वो गाड़ी है अपनी किया कैरेंस की। इस 7 सीटर कार के अंदर आपको काफ़ी चेंजेस नज़र आने वाले हैं, जैसे कि इसके हेडलैम्प, टेल लाइट, फॉग लाइट की सीटिंग और बॉडी लुक को और ज़्यादा अग्रेसिव बनाया जाएगा। और कार के अंदर अब आपको 360 डिग्री कैमरा का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि आपने सोनेट के अंदर देखा और किया सेल्टोस के अंदर देखा, तो ठीक उसी तरीके से अब आपको किया कैरेंस के अंदर भी 360 डिग्री कैमरा ऑफर किया जाने वाला है। तो इस कार की प्राइस रहने वाली है 12.60 लाख से 25 लाख रुपीज के करीब, यानी कि 50,000 आपको थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज देखने को मिलेगा। और इस कार को इंडियन मार्केट में आने वाले कुछ ही महीनों में लॉन्च किया जा सकेगा। अब बारी आती है नेक्स्ट कार की बात, तो वो है होंडा की एक 4 मीटर सब कॉम्पैक्ट SUV कार, जिसको कि एक बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है। और अब होंडा मोटर्स भी लॉन्च करने जा रही है अपनी एक 4 मीटर सब कॉम्पैक्ट SUV कार को, जो कि सीधा टक्कर देने वाली है महिंद्रा XUV 300 को, टाटा नेक्सोन को, मारुति सुजुकी ब्रेजा को कड़ी टक्कर देने वाली है, जिसमें फीचर्स डिजाइन के मामले में ये गाड़ी बिल्कुल अलग होने वाली है। लेकिन जब आप चील की निगाहों से देखोगे तो ये थोड़ा आपको होंडा MH की याद दिलाने वाली है। पर वैसे भी कार को होंडा MH के ही प्लेटफॉर्म पे डिजाइन किया गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि सेगमेंट के अंदर इस कार को नया बनाने के लिए कार में एडास फीचर्स भी रखा जाएगा, जिसमें ये गाड़ी अपने सेगमेंट में यानी 4 मीटर सब कॉम्पैक्ट SUV के अंदर होंडा मोटर्स की कार होने वाली है एडास फीचर्स के साथ। और अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के पावर यानी इंजन को लेकर। कार में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा और ये इंजन 100 BHP के करीब पावर दे देगी। कार को 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 6 स्पीड की CVT गियरबॉक्स के साथ रखा जाएगा, जो सेगमेंट में कार को थोड़ा अलग बनाता है। और कार के इंटीरियर में प्रीमियम डैशबोर्ड के साथ आपको एक बड़ा सा टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले से लैस होगा। और कार में वेंटिलेटेड सीट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कार की प्राइस 8.65 लाख रुपीज के से स्टार्टिंग हो सकती है इन एक्सोरूम दिल्ली, जो कि 40.70 लाख रुपीज के करीब चली जाएगी। और इस कार को भी 2024 के फेस्टिवल सीजन में ही लॉन्च किया जा सकेगा। और हो सकता है ये गाड़ी आपकी फेवरेट कार बन सकती है, क्योंकि ये माइलेज अच्छा खासा आपको निकाल कर दे देगी। और हो सकता है ये गाड़ी आपकी फेवरेट कार भी बन जाए। अब आती है नेक्स्ट कार टोयोटा की CHR। CHR टोयोटा की एक 5 सीटर कॉम्पैक्ट SUV कार है, जिसको बेहद ही कम कीमत में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकेगा। और तकरीबन 8 लाख रुपए के समथिंग प्राइस में इस कार को एक शोरूम रखा जा सकता है। लेकिन कार का लुक्स और डिजाइन जो रखा जाएगा वो काफी बढ़िया और गुड लुकिंग रखा जाने वाला है। दिखने में कार स्पोर्टी और स्टाइलिश लगती है, जिससे ये कार आपके पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाने का काम करेगी। साथ में कार के फ्रंट में LED का सेटअप रखा गया है, जैसे कि LED DRS, LED हेडलैम्प, LED फॉग लाइट और रेयर में भी LED टेल लाइट्स को रखा गया जाएगा। कार के अंदर 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को रखा गया है, जिसके साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन कार के इंटीरियर में आप 5 लोगों को आराम से बैठा सकते हैं, जिसमें एंजॉय के लिए 5 स्पीकर प्रीमियम साउंड सिस्टम रखा गया है। साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर 7 इंच के करीब इनपुट टच स्क्रीन डिस्प्ले को भी रखा गया है, और इसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे कई सारे बेहतरीन फीचर्स इस गाड़ी के इंटीरियर में आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सेफ्टी की बात आती है तो सबसे पहले एयरबैग का ऑप्शन निकल कर आता है। इस गाड़ी के अंदर आपको 1 नहीं 2 नहीं पूरे 6 एयरबैग का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ गाड़ी के अंदर ABS के साथ EVD को भी रखा गया है। लेन कीपिंग असिस्टेंट जैसे कई सारे बेहतरीन फीचर सेफ्टी में आपके लिए अवेलेबल है। और इस कार को इंडियन मार्केट में 2024 के नेक्स्ट मंथ में ही इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। अब आती है नेक्स्ट गाड़ी की बात, तो वो गाड़ी है महिंद्रा मोटर्स की एक जबरदस्त फेसलिफ्ट कार, जो कि XUV 7 Dolo SUV कार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब टाटा मोटर्स ने अपनी हैरियर और सफारी का फेसलिफ्ट वर्जन इंडियन मार्केट में लॉन्च किया, तब से XUV 7 Dolo SUV का बोलवाला ही बंद हो चुका है। इसलिए महिंद्रा मोटर्स अब अपनी XUV 7 Dolo SUV कार का फेसलिफ्ट वर्जन इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाएगा। साथ में DRLs के डिजाइन को भी चेंज करने की कोशिश की जाएगी। साथ में कार के इंटीरियर में स्लाइडिंग सीट ऑफर किया जाएगा, साथ में कैप्टन सीट भी इस गाड़ी के अंदर ऑफर किया जा सकेगा।
सीट के साथ वेंटिलेट सीट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और ऑटो डिमिंग IRVM जैसे कई सारे बेहतरीन फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएगा। और कार में अब आपको 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी और ज्यादा बढ़िया देखने को मिल जाएगी। और हाँ, प्राइस में थोड़ा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इस कार को जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा जो कि बिल्कुल यंग जनरेशन में नजर आने वाली है। अब आती है नेक्स्ट गाड़ी की बात, तो वो गाड़ी है अपनी हुंडई सेंटा फे। जी हाँ दोस्तों, हुंडई मोटर्स अपनी एक नई जबरदस्त कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के लिए तैयार है और इस SUV कार को वर्जन के साथ लॉन्च किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कार में 4x4 का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कार को एक मॉन्स्टर लुक और डिजाइन दिया जाएगा और हुंडई सेंटा फे इस लुक्स और डिजाइन के साथ टोयोटा फॉर्च्यूनर को कड़ी टक्कर देने वाली है। जहां टोयोटा फॉर्च्यूनर 50 से 55 लाख रुपए में नॉर्मल फीचर्स के साथ इंडियन मार्केट में खड़ी है, तो वहीं हुंडई मोटर्स अपने दमदार फीचर्स, लुक्स और फ्रेश क्वालिटी के नाम से इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा फेमस है। इस कार का डायमेंशन फॉर्च्यूनर के टक्कर में रखा जाएगा और इस न्यू SUV 4x4 सेंटा फे में एडवांस फीचर्स के साथ साथ एडास फीचर्स भी देखने को मिल जाएगा और ये एडवांस फीचर्स होने वाला है जो कि इंडिया के अंदर सबसे टॉप पे आती है। 40 हॉर्स पावर वाला इस गाड़ी के अंदर एक पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ आप इस गाड़ी को काफी अच्छे से ड्राइव कर पाओगे और इंटीरियर में बैठकर आपको मजा ही आ जाने वाला है, क्योंकि इंटीरियर की क्वालिटी को काफी ज्यादा फ्रेश डिजाइन के साथ रखा गया है। साथ में इंडियन कस्टमर फेवरेट फीचर सनरूफ का भी ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर शामिल रहेगा। इससे कार की प्राइस इंडियन मार्केट के अंदर एक्सोरूम इन दिल्ली 45 लाख से 60 लाख रुपए के करीबन रखा जा सकता है, यानी 45 लाख टू 60 लाख के करीबन रखा जा सकता है और इस SUV कार को 2024 में आने वाले कुछ ही महीनों में लॉन्च किया जा सकेगा। वहीं दोस्तों अब बात आती है नेक्स्ट कार की, तो फोर्ड एंडेवर। दोस्तों फोर्ड कंपनी इन दिनों इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा चर्चे में है, क्योंकि फोर्ड कंपनी दोबारा इंडियन मार्केट में अपना कदम रखने जा रही है। एंडेवर को बिल्कुल नए रंग रूप फीचर्स के साथ लॉन्च कर रही है, जिसमें कार का डिजाइन पहले जैसा ही रखा जाएगा, जिससे लोगों द्वारा प्यार बरकरार रहेगा और लोग दोबारा इसे पहले जैसा ही प्यार दें। न्यू फोर्ड एंडेवर काफी नए फीचर्स के साथ भी लॉन्च हो सकती है। सबसे पहले इस कार को इंडियन मार्केट में 2024 में ही लॉन्च किया जा सकता है और ये एक्सपेक्टेड बताई जा रही है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, कार के लुक और डिजाइन पहले जैसा ही रखा जाएगा, लेकिन कार के लाइटिंग सेटअप में आपको थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल सकता है। जैसे कि इस गाड़ी के अंदर आपको LED का सेटअप देखने को मिलेगा, जैसे कि LED DRS, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, फुल्ली आपको इस गाड़ी के अंदर LED का टच देखने को मिल जाएगा और नया क्रोम ग्रिल के साथ इस गाड़ी को डेकोर किया जाएगा। तो जैसे कई सारे बेहतरीन फीचर्स के साथ इस गाड़ी को लॉन्च किया जाने वाला है। इससे कार के अंदर आपको रीडिजाइन डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ 12 इंच के करीब टच स्क्रीन डिस्प्ले भी दिया जाएगा, जो कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले से लैस होने वाली है। और इस गाड़ी के अंदर 12.4 इंच के करीब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कलेक्शन भी देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है गाड़ी चलाने के साथ। इस गाड़ी के अंदर रिमोट स्टार्ट बटन देखने को मिल जाएगा, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल दिया गया है, वेंटिलेट सीट का भी ऑप्शन, जैसे कई सारे बेहतरीन फीचर्स इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर में भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर सेफ्टी की बात कर लेते हैं, तो इस गाड़ी के अंदर अब आ चुका है एडास, जिससे ये टोयोटा फॉर्च्यूनर को कड़ी टक्कर देने वाली है। जहां नॉर्मल फीचर्स के साथ तो फॉर्च्यूनर अभी इंडियन मार्केट में सेल हो रही है, तो वहीं फोर्ड एंडेवर नए फीचर्स के साथ जब आएगी तो फोर्ड एंडेवर कड़ी टक्कर देने वाली है टोयोटा फॉर्च्यूनर को। और साथ ही साथ फोर्ड एंडेवर के अंदर सेफ्टी के मामले में 360 डिग्री कैमरा का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेफ्टी में 9 एयरबैग के साथ फोर्ड एंडेवर को लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ इस गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी दिया गया है, ABS रखा गया है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक रखा गया, इंजन इमोबिलाइजर जैसे कई सारे बेहतरीन फीचर्स के साथ इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा। लेकिन दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है, वो है इस गाड़ी के इंजन। इस गाड़ी के अंदर पूरे 3 इंजन का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, जो कि बताया जा रहा है इस गाड़ी के अंदर आपको 3.0 लीटर का V6 टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, साथ ही 2.3 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है और साथ ही 2.0 लीटर का डीजल इंजन भी ऑफर किया जा सकता है, जो कि पावर के मामले में बहुत ही अच्छा होगा। और 4x4 ड्राइव के साथ इस गाड़ी को आप मजे से ड्राइव कर पाओगे और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होने वाले है। तो फोर्ड एंडेवर के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।